The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So, namaskar. आइए बात करते हैं कि ब्लड के अंदर क्या-क्या बीमारियां हो सकती हैं. What are the types of blood disorders? देखिए आपके ब्लड एक लिविंग टिश्यू है जिसके अंदर लिक्विड है और सॉलिड है. लिक्विड को बोलते हैं प्लाज्मा, प्लाज्मा बैंक, प्लाज्मा थेरेपी सुना है आपने. और ये प्लाज्मा ज़्यादातर पानी, सॉल्ट और प्रोटीन से बना है. और इसका जो दूसरा मतलब ये आधे से ज़्यादा ब्लड में प्लाज्मा है ये मान के चलिए. सॉलिड पार्ट जो ब्लड में है वो है सेल्स, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, फलाना ढमकाना सेल्स, बहुत सारे सेल्स हैं. सो ब्लड डिसऑर्डर का मतलब है कि ब्लड या ब्लड के कोई एक पार्ट में हो रहा डिसऑर्डर जिसके वजह से ब्लड अपना काम नहीं कर पा रहा. ब्लड का काम आपके हर एक सेल को न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन पहुंचाना, वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ से वहाँ पहुँचाना, जो आपने खाया वो यहाँ से यहाँ पहुँचाना, जो दवा वो वहाँ से वहाँ पहुँचाना, वट एवर. सो ब्लड अपना काम नहीं कर पा रहा. या तो ये एक एक्यूट ब्लड डिसऑर्डर होगा, यानी तुरंत डेवलप हुआ, आज ही हुआ है, अभी अभी अंकुरित हुए हैं, फूटे हैं. या तो ये स्लो एंड स्टडी बहुत सालों से हो रहा है, तो क्रोनिक ब्लड डिसऑर्डर है. कई ब्लड के डिसऑर्डर हैं जो जेनेटिक होते हैं, जो बचपन से हैं आपके अंदर. उसमें कई सारे दवाइयों के वजह से आ सकते हैं एज अ साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन. कई आपकी डेफिशिएंसी से हो सकते हैं, आयरन नहीं खाया तो अपना एनीमिया हो गया. तो लेट्स सी क्या क्या टाइप होते हैं ब्लड डिसऑर्डर के. नंबर वन जो आपने बहुत सुने होंगे, खून की कमी, एनीमिया. मतलब आपके ब्लड में उतने रेड ब्लड सेल नहीं है या रेड ब्लड सेल में उतना हीमोग्लोबिन नहीं है. वो होता है तो ब्लड अपना ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता पूरी बॉडी में. इसके बहुत सारे कारण हैं और एनीमिया के ऊपर एक डेडिकेटेड डिफरेंट वीडियो भी है हमारा, वो जाके आप देख सकते हैं. एनीमिया ज़्यादातर आयरन डेफिशिएंसी से होता है. डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया में ब्लीडिंग के वजह से हो सकता है, फलाना ढमकाना ढमकाना. प्लेटलेट अपने आप में एक और बड़ा डिसऑर्डर है. प्लेटलेट डिसऑर्डर का मतलब, अगर प्लेटलेट्स का काम है क्लॉटिंग करना, तो या तो ब्लीडिंग होने लग जाएगी, कहीं पर छोटे छोटे धब्बे आ रहे हैं, जबान पे छोटे छोटे काले काले लाल लाल दाने आ रहे हैं, तो वो ब्लीडिंग हो रही है. एक्सेसिव क्लॉटिंग होने लग सकती है कि खून के अंदर ही क्लॉट बन रहे हैं, दिक्कतें होने लगी है, राइट. सो प्लेटलेट डिसऑर्डर होगा तो आपके ब्लड के अंदर क्लॉटिंग प्रॉब्लम आ जाएगा, ब्लीडिंग या क्लॉटिंग प्रॉब्लम. फिर there can be problems in the line of white blood cells. White blood cells में बहुत सारे types हैं हमारे. उसमें एक type है lymphocyte, neutrophils, basophils, monocyte, eosinophils. Eosinophils अगर high हो जाते हैं तो eosinophilic disorders, ये एक type के white blood cells हैं. Eosinophils high होना मतलब allergic reactions ज़्यादा होने की tendency आपके अंदर आ जाती है. सो इसी तरह से कैंसर भी हो सकता है ब्लड के अंदर, जो एक तरीके का ब्लड डिसऑर्डर है. ल्यूकीमिया, माइलोमा सुना होगा आपने, ब्लड कैंसर. सो ब्लड के अंदर बहुत सारे प्रकार के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और हर एक डिसऑर्डर के बेसिस पे डिपेंड करेगा कि कैसे लक्षण, कैसे सिम्टम आएंगे. बेसिकली ब्लड के अंदर कोई बीमारी है या नहीं ये जानने के लिए टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है. उसमें सबसे बेसिक टेस्ट है ब्लड काउंट्स, यानी कि कंप्लीट हीमोग्राम, सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट्स. सीबीसी में हमें आधा से ज़्यादा चीज़ें पता चल जाती हैं ब्लड टेस्ट में. एक्स्ट्रा फिर हम अगर जानना चाहें कि एग्जैक्टली कहीं कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई और इशू तो नहीं है, तो फिर हैप्टोग्लोबुलिन, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोलोसिस या कैरियोटाइप जेनेटिक टेस्ट, फलाना ढमकाना टेस्ट, ईओसिनोफिल काउंट्स, फिर हीमोग्लोबिन सी हैवी चेन या क्या इशू आ रहा है, रेड ब्लड सेल्स हाई है, वाइट ब्लड सेल्स हाई है, इन्फेक्शन है या डब्ल्यूबीसी लो है,
लिम्फोसाइटोसिस है, क्या एग्जैक्टली न्यूट्रोपिनिया है, न्यूट्रोफीलिया, प्लाज्मा, यानी एग्जैक्टली क्या हो रहा है, राइट? सो बहुत सारे प्रकार के ब्लड डिसऑर्डर्स हैं जिसको हम एक हेमाटोलॉजी बोल सकते हैं. पूरी की पूरी फील्ड है, पूरी की पूरी फील्ड है. हेमाटोलॉजिस्ट एक उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं. इसमें कई सारी जेनेटिक बीमारियां आती हैं, पॉलीसाइथीमिया भी आता है, एक्स लिंक्ड बीमारियां, वाई लिंक बीमारी, हेरिडेटरी स्फेरोटाइटोसिस, सिकल सेल डिजीज, फैमिलियल इरेथ्रोसाइटोसिस, कई सारी कंजेनाइटल बीमारियां इसमें आती हैं जिसको आप पहचान भी नहीं पाएंगे, जान भी नहीं पाएंगे कि है कि नहीं है. तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कमज़ोरी लगती है, क्योंकि ब्लड का काम है न्यूट्रिशन पहुँचाना, वीकनेस लगती है, तो CBC होना चाहिए. CBC इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक टेस्ट जो किया ही भी जाता है. तो अगर CBC में कोई मेजर गड़बड़ आ रही है जो कि किसी नॉर्मल चीज़ से एक्सप्लेन नहीं हो रही है, देन यू हैव टू कॉन्टैक्ट अ हेमाटोलॉजिस्ट और अ फिजिशियन. दे विल चेक, वो चेक करेंगे और बताएंगे आपके कि आपके ब्लड में क्या बीमारी हो रही है, उसके अनुसार आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा. अब ये अलग अलग लाइन में जा सकता है, ये एक चौराहा है जिसके बहुत सारे रास्ते हैं, तो ये डायरेक्शनल हम नहीं जाएंगे. उसके लिए आप एक एक वीडियो अलग अलग देख सकते हैं. सो दिस इज इट अबाउट ब्लड डिसऑर्डर्स. अगर कोई आपके सवाल हैं तो आप लिखिए, बाकी हम आगे समझाते रहेंगे. धन्यवाद. शेयर ज़रूर करिए वीडियो.